संतोष बैठा बुलाए थे उन्हें मौत करा दे मारती है जान। हत्या किया गया है चाहे जो भी हत्या करे, हत्या करके एक्सीडेंटल रूप देने की कोशिश किया है अपने हिसाब से। न घर पे प्रशासन आई है न उसके घर गया है। पहले 10 दिन पहले धमकी दिया था कि हम तुमको दशहरा तक फरिया देंगे। दिन सुबह हम लोग के 5 बजे भोर में पता चला उनको कोई मार के फेंक दिया गया। का किया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग के देखा जाए, इन लोग के कुछ सरकारी लाभ मिलना चाहिए। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले में युवक की हत्या, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गढ़वा जिला अंतर्गत जाटा पंचायत में 13 अक्टूबर की सुबह एक युवक मिथिलेश का शव संदिग्ध स्थिति में सड़क पर पाया गया। ये घटना ग्राम जाटा के रक्सेल बाबा के पास की है। मृतक मिथिलेश ड्राइवर का काम करता था और उसकी मौत ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि संतोष बैठा ने मिथिलेश की हत्या करके उसके शव को सड़क पर फेंक दिया है। जब मिथिलेश का शव सड़क पर पाया गया तो स्थानीय लोग तुरंत इसकी जानकारी उसके परिवार को दी। परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव को देखकर सभी की आंखें नम थीं। मिथिलेश के परिजन ने बताया कि 12 अक्टूबर को संतोष बैठा ने मिथिलेश को फोन करके बुलाया था। घर में उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा था। जब देर रात तक मिथिलेश घर नहीं लौटा तो परिजन उसे खोजना चालू किए। यहां मिथिलेश का कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन अचानक उन्हें 13 अक्टूबर की सुबह ये दुखद समाचार मिलता है कि रक्सेल बाबा के समीप सड़क पर मिथिलेश का शव पाया गया है। इस घटना के बाद मिथिलेश के परिवार में शोक का माहौल है और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि मिथिलेश एक मेहनती युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ड्राइविंग का काम करता था और अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों का भरण पोषण करता था। मिथिलेश की हत्या की खबर सुनकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। गांव में एक संदिग्ध घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। पंचायत समिति सदस्य के पति प्रेम दीवाना ने घटना को लेकर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि यह किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं लगता है। प्रेम दीवाना ने बताया कि जब उन्हें घटना की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि मृतक की डेड बॉडी से लगभग 40 फुट की दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट का कोई स्पष्ट निशान नहीं था, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह घटना हत्या की हो सकती है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। संध्या देवी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे पति के मौत हो गया। कैसे? संतोष बैठा बुलाए थे उन्हें मौत करा दे मार दिए जान से। कौन थे संतोष? भदोमा के है संतोष बैठा। क्या क्या दुश्मनी था? कुछ दुश्मनी नहीं था, पैसा के बारे में ही किया है। क्या चीज का पैसा? गाड़ी चला रहे थे, पैसा था हम लोग पास, पैसा दे दिए हाँ। तब भी आओ पैसा मांग रहा था, हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देने पाएंगे। क्या चीज का पैसा लिए थे? एडवांस वगैरह क्या? नहीं, गाड़ी चला रहे थे तो हम लोग पास पैसा हो गया था वैसे। कब कब का मामला है? ये हो गया दशहरा से पहले ही का मामला था। वो बोले थे, उनका परिवार बोले थे कि हम दशहरा ले तो उनके फरियाद, हम बोले कि सबसे कह दीजिए, तो वो बोल रहे हैं कि इसी मजाक में बोल रहे हैं। कितना है, कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमारा 3 गो बाल बच्चा है। आप क्या चाहते हैं? उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी के फंदा। मेरा नाम मुन्ना राम है। क्या मामला है, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ हुआ था कि उन्हें फोन करके बुलाया। कौन फोन करके बुलाया? संतोष बैठा। कौन है ये? मोहलिया का है, गाड़ी ओनर। वो आपके भाई इनके गाड़ी चलाते? हाँ, पहले गाड़ी चलाते थे, इसके बाद हमारा भाई साल भर से गाड़ी उसका छोड़ दिया था। अब उसी के मेटर मैकस में इन्हें क्या किया अब हमको नहीं पता है। क्या नाम था भाई का आपका? मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले आप? हम जाटा के रहने वाले। जाटा? और जो ये जिसके शक है आपको, वो कहाँ के रहने? मोहलिया के रहने वाले। क्या नाम? संपर्क है भदोमा के। क्या नाम है उनका? संतोष बैठा। तो इस तरह का शक आप कैसे गया उनसे? क्या कुछ इसमें मामला हुआ था? क्या फोन किया था? वो केवल फोन करके बुलाया था। हाँ, पहले से भी कुछ मारपीट का मामला हुआ था? पहले 10 दिन पहले धमकी दिया था कि हम तुमको दशहरा तक फरिया देंगे। मैंने क्या मामला में? वो
वो जैसे उनका गाड़ी चलाने के लिए नहीं बोले, मेरा चाचा थे तो बोला कि हम आपका गाड़ी चलाएंगे ना, हमको मान लीजिए काम कर रहे थे पैसा चाहिए टाइम पे, तो वो बोले कि हम गाड़ी चलाना चाहेंगे ना, वो बोला कि ठीक गाड़ी से फिर चला गए तो हम 10,000 तुमको फरिया देंगे। 10वें के दिन फोन करके 1:30 को फोन किया, बोला कि आओ मिथिला समय घूमे फिर, लेकिन हमारे चाचा बाइक निकाले और बाइक निकाल के 3-4 मिनट के बाद चले गए, उसके बाद लौट के नहीं आए। फिर सुबह हम लोग के 5 बजे भोर में पता चला उनको कोई मार के फेंक दिया गया। यहाँ आए तो फिर वो उसको जाके बोला कि चाचा मेरे यहाँ आए थे, तो बोला कि नहीं हम कुछ नहीं जाना है। फिर उसके बाद उसको मतलब वो आधा घंटा बाद आया पैदल, वहाँ से आया यहाँ देखा बाइक देखा, उसके बाद वो निकल गया, फिर यहाँ दोबारा नहीं आया। यही बातचीत था। मतलब आपको देखने से क्या लगा, वो एक्सीडेंट लगा या कि मारपीट का मामला कैसा लगा? मारपीट का मामला एक्सीडेंट है ये नहीं है। मतलब कैसे लाश कैसे पड़ा हुआ था? लाश उधर में पड़ा था, मोरे उधर नीचे था और पैर ऊपर के था, इधर पूरा इधर मतलब खांचा हुआ था। गाड़ी वगैरह में खरोच वगैरह? गाड़ी में देख लीजिए सामने गाड़ी है, हल्का सा खरोच हुआ है, गाड़ी अभी हम चला रहे हैं। क्या नाम था आपके चाचा का? मिथिलेश चंद्रवंशी। क्या एज होगा? यही होगा 26-27 साल। कितने बाल बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं उनके। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू कुमार चंद्रवंशी। कहाँ घर है? जाटा जी। मैं प्रेम दीवाना ब्यास, इस पंचायत समिति हम पंचायत समिति के पति हुए प्रतिनिधि। हमको करीब करीब 7 बजे मुखिया जी के द्वारा सूचना मिला कि मामा यहाँ ऐसे ऐसे घटना घटल है, तो हम आए। ये बहुत ज्यादा भीड़ था, हमने देखा कि जो डेड बॉडी है वो उत्तर साइड माथा है और दक्षिण साइड पैर, और उससे करीब 40 फीट लगभग पश्चिम साइड में गाड़ी पड़ा हुआ है। गाड़ी में विशेष खरोच नहीं है, और सबसे अगर कितना हो बड़ा एक्सीडेंट हो तो 40 फीट दूर मेरे ख्याल से नहीं जा सकता है डेड बॉडी किसी का शरीर, और शरीर में बहुत ज्यादा कपड़ा वपड़ा था, वो रगड़ा के फटा हुआ था। फिर डेड बॉडी से करीब करीब 20-30 फीट इधर एक चुनौती था, वो उसी का था, लोग पहचान किए, और एक सिगरेट का पॉकेट था, तो सिगरेट का पॉकेट तो भाई नहीं पहचान क्या कहोगे, लेकिन चुनौती लोग पहचान किए। और फिर डेड बॉडी से फिर उत्तर साइड आप चलेंगे तो करीब 150 फीट दूरी पर रोड से और करीब 50 फीट अंदर एक चप्पल भीगा हुआ, जबकि एक चप्पल उनके डेड बॉडी के पास था। ये सब देख कर हम लोगों ने विचार किया कि ये तो मामला जो है एक्सीडेंटियल नहीं, हत्या किया गया है, चाहे जो भी हत्या करे हत्या करके एक्सीडेंटियल रूप देने की कोशिश किया है अपने हिसाब से, और लगता है कि रस्सी उसी से बांध करके खींच कर बॉडी करके लाया गया, जिससे कपड़ा वपड़ा सरो टोटल फट गया था। और हम आशा रखते हैं, चूंकि ये देखिए जहां पर आप खड़े हैं यहाँ रक्सेल राज का स्थान है थोड़ी दूर पर, आप लोग सब जानते हैं, और यहाँ जो भी घटना हुआ है आज तक यहाँ से कोई उबर के नहीं गया है, इनका कृपा रहा है, सबका छानबीन हो गया है, पता चल गया है, और प्रशासन अगर उचित दिशा निर्देश में अगर छानबीन करे, चाहे आवेदन वगैरह दिया गया है सुनने में आया है, तो इसका जो भी करने वाला होगा विशेष रूप से पर्दाफाश होगा। प्रशासन पर भरोसा है और बाबा पर भी भरोसा है, यहाँ जितने भी घटना घटे जब तक हम लोग जन्म हुए तब से सुने हैं, यहाँ से क्राइम पर कभी तक कोई बचा नहीं है। ये मामला किस कब का है? ये दशहरा के रात में, दशमी 13 तारीख रात्रि में सुबह हम लोग को पता चला तो हम लोग आए। 13 तारीख का आवेदन दिया हुआ है जो कि अभी 15 तारीख हो गया, अभी तक कोई हम लोग का, तो हम यही है रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने 13 तारीख हम लोग बड़ा बाबू के पास नगर रमना थी गढ़वा थाने में दिया हुआ है आवेदन भी, लेकिन अभी 15 तारीख तक हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। विनोद राम चंद्रवंशी, मैं मिथिलेश राम के ससुर हूँ। मतलब वो आपके दामाद? दामाद थे, बड़े दामाद। कहाँ घर है आपका? रमना सिलीदर। क्या क्या कहा जा रहा है प्रशासन की? प्रशासन की वही आवेदन दिए हैं, उसके बाद बोले कि ठीक है, अब अभी तक तो कोई सूचना मिला नहीं है हम लोगों के पास, न घर पे प्रशासन आई है न उसके घर गया है। मान लीजिए अगर ऐसे कोई तरह के लाश मिलता, शक खोजा जाता, साबुत खोजा जाता है, लेकिन हम लोग को जब नाम धर के एप्लीकेशन दिए हैं कि हाँ फलना पे शक है, फलना फोन करके बुलाया गया है, तो उसमें क्या सर साबुत खोजा जा रहा है या लेट विलंब किया जा रहा है? कितने बाल बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं।
होगा बच्चे का लमसम 5 साल एक बच्चे का हो रहा है और 2 बच्चे जुड़वा हैं जो कि 3.5-4 साल के हो रहा है। तो क्या करते थे आप? पहले गाड़ी अनपारा और शक्तिनगर तरफ गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद वो ओनर के पास संतोष बैठा जो है उनका गाड़ी बहुत दिन चलाए थे, लेकिन उन लोगों उनके पास क्यों छोड़े अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन गाड़ी छोड़ के फिर अभी फिलहाल दूसरे जगह गाड़ी चलाने गए थे। वहां से नवमी के दिन घर पर आए हैं और 10वीं के दिन बुलाहट हुआ है, अब इसके बीच में ये घटना घट गया। तो क्या फोन में वो कॉल रिकॉर्ड है क्या कुछ इस तरह? हाँ, वो मोबाइल में नंबर है जो नंबर से वो फोन किए हैं कि उनका खुद भतीजा के मोबाइल है उस पे फोन हुआ और उससे बोला गया कि अपना चाचा से बात कराइए, तो चाचा से ही बात भी कराया है। क्या घर से? वो बोले कि आ रहे हैं वहाँ भदुमा बैठा फोन किया है, थोड़ा हम आ रहे हैं 1 घंटा में, लेकिन 1 घंटा में कह के गए तो वो आए नहीं। आप लोगों को सूचना कैसे मिला कि यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ? सुबह में यहाँ का लोग बोला सुबह में कोई आदमी या दौड़ कूद में आया होगा या जैसे भी आया या मुखिया खबर किया होगा, लेकिन सुबह इन लोगों के 5-5:30 बजे सुबह में मुलाकात हुआ तो बोला कि भैया हैं हो तो नहीं, तो भैया के देखे ना फलना जंग का तो बॉडी फेंका हुआ है, तब वो घर वाले टूट पड़े। अब यहाँ देखे तो सही रूप की बात है, वही रूप से हीते नाते चारों बोल फोन दौड़ा हुआ। हम लोगों रमुना से आते आते तक प्रशासन गाड़ी में डाल दिया था। बबीता देवी हैं सास दामाद। क्या घटना हुआ कैसे कुछ पता है? नहीं, हम तो नहीं थे, हम लोग तो सब गाड़ी पर लाश उठा दिए से लोग, तो हम लोग रमुना से आए हैं, हम लोग देखे खाली लाश भर। अब पता चला आपको कि ऐसा मामला हो गया? हम लोग के 7-7:30 बजे के लगभग वहाँ खबर दिया गया, वो झुरहा के रहने वाले गए जाके, तब हम लोग खबर मिला तो हम लोग गाड़ी करके सब आए थे। कितने बाल बच्चे हैं उनके? 3 ठो है, 2 जमुआ है, वो बड़ा है। क्या करते थे आप? यही गाड़ी वोड़ी चला रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, इन लोग के पास कुछ नहीं है, कमाने वाला ही थे। कहाँ पे गाड़ी चलाते थे? कहीं किसी के गाड़ी धर लेते थे, चलाते थे, उनका भी चला रहे थे तो छोड़ दिए थे। गढ़वा नहीं, हमको तो नहीं पता है, मान लीजिए हम नहीं नया यहाँ के रहने वाले हैं, इन लोग के जिसका पता है उनका दोस्त यारो था, तो मान लीजिए दोस्त यारों में कोई भी अथी करता है कि जैसे अपन लिए कोई समझ रहा है तो कोई बोलाएगा तो जेबे नहीं करेगा, ये तो नहीं जान रहे थे कि हमको साथ क्या करेगा। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? का किया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग के देखा जाए, इन लोग के कुछ सरकारी लाभ मिलना चाहिए, इन लोग के परवस्ती सरकार उठाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कि मतलब मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग पर तो अभी नहीं है, इन लोग के भी मार सकता है, हम लोग ये चाह रहे हैं सरकारी लाभ इन लोग के सब मिलना चाहिए, घर नहीं है घर मिलना चाहिए, बच्चे लोग के परवस्ती के उठाएगा, ये कहाँ जाएगी, कमाने वाला वही है, ये थे वही खियाइए रहे थे, कमा रहे थे, बूढ़ी माँ है, इनका कुछ नहीं है, घर के इकलौते बेटे एक ही है, एगो और है तो उनका कोई अथी नहीं, तेज तजार वही है, ये थे वही चलाइए रहे थे सबके, ये 3-3 गो है तो कहाँ जाएगी कैसे करेंगी, अब आप लोग देख ही रहे हैं क्या करना है। पूरा जनता जोर हुए थे, हम लोग भी उनके इन लोग के आए साथ में देखे कि हाँ इस तरीके से लाश पड़ा हुआ है, पूरे लाश पड़ा हुआ था मिथिलेश जी के। क्या कर रहे थे? वो ट्रैक्टर चलाते थे। किनका? अभी नहीं बता सकते हम किनका चलाते थे। तो फिर आप लोग आए यहाँ पे तो क्या देखे? यहाँ देखे कि लोग कहे कि मारपीट के आदमी फेंका हुआ है, सब कुछ चलिए तो यहाँ आया पूरा गांव, पूरा थाने पुलिस सब हर राम प्रवेश शर्मा है, वार्ड सदस्य। कितना वार्ड नंबर? 8। हमारे परेमा कुमार नाम है। लेका का नाम है? मिथिलेश कुमार। का हुई लग उनका साथ? उनका साथ है संतोष बैठा बुलाए थे। कौन संतोष बैठा? भदुमा के कहला बुलाया था।
अब का पता जे काहे ले बुलाए थे, बुला के अपन रात में ये सब कांड कर दिए। माने क्या उनके यहाँ कुछ करते थे ये? हाँ, गाड़ी पहले चलावत रहन, फिर उसके बाद छोड़ दे ले रहन, छोड़ला के बाद फिर साथी पकड़ ले रहन। माने कैसे बुले ले रहन? बुलौलन फोन पर है कि आव मिथिलेश की यहाँ अथी दशहरा के जुलूस है, आइए कि चल जाना घरे। अब रात में वैसे करके धर दिए। क्या कैसे खबर मिला था? दोसर कोई लान के सवेरे खबर दिए थे। क्या बोला? कहे कि ऐसा ऐसा बात हो गलवा फुगा। कितना उम्र के थे वो? 26 साल। मिथिले? हाँ। कितने बाल बच्चे हैं? इका जे तीनों यही है, ये तीनों है लेके। हाँ, क्या चाह रहे हैं प्रशासन? प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि हमारा पास कुछ नहीं है, समझ ली ना। और जितना बनता है उसको पकड़िए कि क्या करेंगे, हमारा सब बाल बचा के क्या हम करेंगे, कैसे खियाएंगे, कैसे जियाएंगे। ना घर दूरा है, ना खेत बाड़ी है, बाल बचा के ऐसे टूर कर दिए। नाने नाने बच्चा है, क्या करेंगे। कहिया के मामला है ये? शनिचर के मामला किए हैं, रात में शनिचर के किए हैं। इसे कहाँ पर बुला के ले गए? भदुमा ले गए थे बुला के। आपको लाश कहाँ पे मिला? वही अथी में मिला है, रक्सा ही तरह फील्ड में, अथी में झोड़ा में। शक्ति है आंगनबाड़ी में, इन लोग के पढ़ाई लिखाई चाहिए, हर कुछ चाहिए। दिखाइए घर का माहौल, दिखाइए अंदर अंदर घुसिएगा तब ना देखिए कि घर में क्या चीज है क्या नहीं है। कितना गरीब लोग बिगड़ा रहे हैं, काहे किस लिए बिगड़ा रहे हैं। लोग का खाने का ठिकान नहीं है, ये लोग बच्चा कैसे पोसेगा? जब वो निर्णय नहीं मिलेगा तो ये लोग कैसे करेगा, कैसे जिएगा? ये बूढ़ा माई है, ये आजकल चार बार लंका मार दिया, ये कौन भरोसा क्या है? ये बाल बच्चा कैसे पोसेगा, क्या पोसेगा ये लोग के? जब इन लोग के कोई देखने वाला है ये नहीं है तो ये कैसे कहाँ का स्थिति में पोसेगा? खेत बाड़ी है ये नहीं है, जगह जमीन है ये नहीं है, तो कैसे ये लोग रहेगा, कैसे पोसेगा, कैसे चलेगा दुनिया में? इन लोग के आगे रास्ता बचाना चाहिए ना। देखिए सर, जो होना चाहिए ना, था से भाई था हमारा, कुछ नहीं था इन लोग के पास कमाने खिलाने वाला। रोज कमार साँझ कमार बयान कमार रहा था तो साँझ के खा रहा था, और बाद में तो कुछ है नहीं इसके पास, ये करेगी का? न जगह न जमीन। अच्छा बेटी है इसके उम्र के, अभी किसी को शादी नहीं हुआ है, लोलब से शादी कर दिए थे। और दूगो भाई था, एगो भाई अलगा ही है, तो करेगा का? इसको है का पास में, की करेगी? सरकार भी आप लोग अथी कीजिए कि इसको आंगनबाड़ी इसी घर में रहती थी। हाँ, इसी घर में रहती थी। सरकारी फंड में मिल जाओ कि कमाओ खा, दूगो बच्चा पोसेगा, लायक है कौन? लायक है कैसे पोसेगा बच्चा, कैसे पोसेगा? निर्णय मिलेगा तब ना। आज के लिए इसको मार रहा, कल के लिए घर में बच्चा है उसी को मार के फेंक देगा, ये कौन नियम है?